सिस्टर मुझे बहुत बहुत परेशानी आती थी, खाना नहीं पचता था। डॉक्टर के पास जाती थी तो मेरे डॉक्टर बोलते थे कि तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन है। अन्य जगहों पे मैं जाती थी, कोई आराम नहीं मिलता था मुझको। परमेश्वर की दासी ने बोला जो पहली बार परमेश्वर के भवन में आए हैं वो आगे आ जाएं। जी सिस्टर। और आप आगे आए और परमेश्वर की दासी के दौरान आपके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की गई और पूरे 11 मंथ से आप बिल्कुल हील्ड है। और जो आपको 13 साल से पेट का रोग था, जो वॉमिटिंग लग जाती थी, वो आप बिल्कुल हील्ड हो चुके हो। बिल्कुल हील हो चुके सिस्टर। कभी मुझे वॉमिटिंग आई नहीं, ना तो कोई प्रॉब्लम, मुझे दवा खाने की दिक्कत ही नहीं पड़ी। मुझे आज तक मैं चंगी हो चुकी, कोई दवा मेडिसिन ले रही नहीं मैं आज। हालेलुया सिस्टर, क्या नाम है आपका? सुमन। कहाँ के रहने वाले हैं आप? लुधियाना के। क्या गवाही है आपकी? मेरे पेट की हीलिंग की है। आपने अपनी टेस्टिमनी में बताया कि पिछले 13 साल से आपको पेट का रोग था। जी सिस्टर। इस रोग के कारण आपको क्या परेशानी आती थी? सिस्टर मुझे बहुत बहुत परेशानी आती थी, खाना नहीं पचता था, वॉमिटिंग आती थी और फिर कोई चीज़ खाने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी। दर्द हमेशा पेट में मेरे हमेशा रहता था, फिर बहुत परेशानियाँ, बहुत दिक्कतें आती थी काम करने में, ऐसे भारी भारी पेट रहता था हर चीज़ में। आपने अपनी टेस्टिमनी में बताया कि पिछले 13 साल से पेट के रोग के कारण आपके पेट में भारीपन रहता था और आप जब भी कभी खाना खाते थे आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता था और जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। आपने बताया कि आप बहुत सारी जो खाने वाली चीज़ें होती थी, गर्म चीज़ें होती थी, वो आप नहीं खा पाते थे और जब भी आप खाना खाने की कोशिश करते थे आपको तुरंत ही वॉमिटिंग आ जाती थी और आपको लूज मोशन लग जाते थे जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे और आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। बहुत परेशान रहते थे सिस्टर। और आपने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने आपको क्या बताया? जी सिस्टर, मैं डॉक्टर के पास जाती थी तो मेरे डॉक्टर बोलते थे कि तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन है, फिर 3-4 दिन दवा देकर मुझे हट जाते थे, फिर वही प्रॉब्लम मुझे बढ़ती थी। और आपने बताया कि आपने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने आपको बताया कि आपके पेट में इन्फेक्शन है जिसके कारण आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता और आपने लगातार मेडिसिन खाई बट आपको फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और आपने अपनी टेस्टिमनी में बताया कि आपने 12-13 साल लगातार मेडिसिन खाई और आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। और आपने अपनी टेस्टिमनी में बताया कि आपने 7-8 डॉक्टर को चेक करवाया, चेंज किया डॉक्टर, बट उसके बाद भी आपको कोई आराम नहीं पड़ा। नहीं सिस्टर, मैं 7-8 डॉक्टर के पास गई, अपनी रिपोर्ट भी कराई, कुछ भी नहीं आता था मेरे रिपोर्ट में, हमेशा ही प्रॉब्लम। जैसे दवा खाती थी हफ्ता दिन के बाद फिर वही प्रॉब्लम मुझे बढ़ जाती थी। और आपने बताया कि इस पेट के रोग के कारण आप काफ़ी अनाय जगहों पे भी गए, काफ़ी तांत्रिकों के पास भी गए बट आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं सिस्टर, कोई दिक्कतें आती थी, अन्य जगहों पे मैं जाती थी, कोई आराम नहीं मिलता था मुझको। और आपने बताया कि इस रोग के कारण आपके घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि आपके पास घर का काम करने के लिए समय नहीं होता था, आप हमेशा बिस्तर पर रहते थे और वीकनेस के कारण आप घर का काम नहीं कर पाते थे। नहीं कर पाते थे सिस्टर, हमेशा मेरी दिक्कतें बढ़ती थी रहती थी, रात दिन मैं रो रो रह जाती थी, कहती थी कि मेरा कब प्रॉब्लम ये हटेगा, दर्द हमेशा रहता था। सिस्टर, आपको परमेश्वर के वचन के बारे में और चर्च के बारे में कैसे पता चला? सिस्टर मेरी आंटी एक आती है, वही मुझे बताई थी। और आपने बताया कि आपको आपके जो नेबर में आपके आंटी रहते हैं उन्होंने आपको परमेश्वर का वचन बताया और जब आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बताया गया तो आपको कैसा लगा? सिस्टर बहुत अच्छा लगा मुझे, उसी दिन मैं आई। और सिस्टर आपने बताया कि आपके नेबर ने आपको परमेश्वर का वचन बताया और आप 11 जुलाई 2021 को परमेश्वर के भवन में आए और पूरे फेथ से आए। जब आप पहली बार परमेश्वर के भवन में आए आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे सिस्टर, वचन सुन के, गवाहियां सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। और आपने अपनी टेस्टिमनी में बताया कि आप पूरे फेथ के साथ परमेश्वर के भवन में आए थे और आपने बताया कि आपने जब परमेश्वर का वचन सुना आपको बहुत अच्छा लगा और आपने गवाहियों को सुना और आपका फेथ बढ़ा। और आपने अपनी टेस्टिमनी में बताया कि मुझे फेथ हो गया था कि आज मैं हील होकर जाऊंगी। जी सिस्टर। और जब परमेश्वर के दास ने बोला, परमेश्वर की दासी ने बोला जो पहली बार परमेश्वर के भवन में आए हैं वो आगे आ जाएं। जी सिस्टर। और आप आगे आए और परमेश्वर की दासी के दौरान आपके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की गई। जी सिस्टर। हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे परमेश्वर की दासी के द्वारा की गई सामर्थी ले हैंड प्रेयर को।
पवित्र कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा। जोर से जीवित परमेश्वर की तारीफ करेंगे, सामर्थ्य ले हैंड के लिए जोर से तारीफ करेंगे खुदा की। सिस्टर, जब आपने ले हैंड प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ आपके साथ? सिस्टर, मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ। और आपने बताया कि जब आपके ऊपर ले हैंड हुआ, आपने फेथ से उस ले हैंड प्रेयर को रिसीव किया, और आपने अपनी टेस्टिमनी में बताया कि पूरे 11 मंथ हो चुके हैं और 11 मंथ से 15 दिन ऊपर हो चुके हैं, आपने कोई मेडिसिन नहीं खाई। आपने बताया था कि आप लगातार 13 साल से लगातार मेडिसिन खा रहे थे, बट उस ले हैंड प्रेयर के दौरान आपने कोई मेडिसिन नहीं खाई, और जो आप 13 साल से कोई भी तली हुई चीज नहीं खा पाते थे, और कोई भी आप मार्केट से जो चीज लेकर आते थे वो खा नहीं पाते थे, और आपने प्रॉपर 11 मंथ अपने आप को चेक किया, हर प्रकार की आपने चीज खाकर देखी जो आप नहीं खा पाते थे, और पूरे 11 मंथ से आप बिल्कुल हील्ड हैं, और जो आपको 13 साल से पेट का रोग था, जो वॉमिटिंग लग जाती थी, वो आप बिल्कुल हील्ड हो चुके हैं। बिल्कुल हील हो चुके सिस्टर, कभी मुझे वॉमिटिंग आई नहीं, ना तो कोई प्रॉब्लम, मुझे दवा खाने की दिक्कत ही नहीं पड़ी, मुझे आज तक मैं चंगी हो चुकी, कोई दवा मेडिसिन ले रही नहीं मैं आज। जोर से जीवित परमेश्वर की तारीफ करके अद्भुत टेस्टिमनी के लिए अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद।